सोलन के नोनी का एक परिवार इलाज के लिए तरस रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि इलाज के लिए परिवार के पास जमा पूंजी पूरी तरह से खर्च हो चुकी है और अब इलाज करवाने के लिए उनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची। आपको बता दें कि जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं उस परिवार का मुखिया दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल है और वह IGMC शिमला में भर्ती है। वहीं मुखिया का बेटा भी एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुका है और वह 100% पैरालाइज है। वह बिस्तर से हिलडुल नहीं सकता। बिस्तर पर पड़े पड़े युवक के शरीर में गहरे घाव हो चुके हैं, लेकिन बेबस माँ जो खुद दिल की बीमारी से जूझ रही है, वह बेटे और पति का किसी का भी इलाज करवाने में असमर्थ है क्योंकि जो भी उनके पास जमा पूंजी थी वह दोनों के इलाज पर खर्च हो चुकी है। वहीं इस मौके पर मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार से बेबस और लाचार महिला ने गुहार लगाई है कि वह इस स्थिति में उसकी मदद करे ताकि उसके बेटे और पति का इलाज हो सके। 21 मार्च को जो मेरे बेटे की एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 लड़के की डेथ हो गई थी और मेरा लड़का बच्चा था जिसको PGI रेफर कर दिया था और PGI में बहुत ही खर्च आ रहा है हमारा आने जाने पे और उसका इलाज के लिए। अब हमारे लिए पैसे कुछ ही नहीं बचे हुए, जो था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब 10 तारीख को मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ रोडू में और उन्हें शिमला रेफर कर दिया गया है वहाँ से और उनके पाँव में रोडेज लगी है। बच्चों का पेट पालना मुश्किल है, मेरे 4 बच्चे हैं और हम इसलिए जाते कि सबकी मदद करते CM साहब और हमारी मदद भी कर दे, तब जाते हैं हम। लोग मिलने नहीं देते हमें। जी DC साहब को मिले थे पर DC साहब बोलते वो पहले दी थी 1,80,000 दिया था तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला भाई हमने आपको दे दिया, हम नहीं दे सकते अब, जब बेटे का हुआ था। और पति के बारे में गई थी मैं, पति को बोला भाई हम मदद नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं होगा कुछ मदद नहीं इनका। ट्राई सिटी के अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।